औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि लूटमार जारी है और ये लूटमार कभी रुक नहीं पाएगी उस वक़्त तक जब तक आप लोग इनके खिलाफ़ खड़े नहीं होंगे, आप इनको रिजेक्ट नहीं करेंगे, आप इन नौसरेबाजों को, इन टैगों को, इन यानी जो आपको लूटने वाले गिरोह है और ये जो माफिया है, इनको आप बेनकाब नहीं करेंगे, लोगों को आप शऊर नहीं देंगे, लोगों में आप ये बात नहीं पिलाएंगे कि ये चोर है, ये डाकू है, ये लुटेरे हैं, ये फ्रॉडी है, और ये हर वेबसाइट में लूट मार करते हैं और बोलते हैं आपको कि आपकी ज़िंदगी बना देंगे, आपका जो मुस्तकबिल है वो बिल्कुल ब्राइट होगा, आपका जो मुस्तकबिल है उसमें आपके पास गाड़ियाँ होंगी, लैंड क्रूजर होंगे, ये होगा वो होगा, आपको मोटिवेशनल वीडियो दिखाएंगे और पता नहीं क्या क्या दिखाएंगे, जाली फितवे, जाली कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह वगैरह। लेकिन इनका मेन मकसद क्या होता है, आपके घर में जो गए हैं ना, इसके ऊपर इन लोगों का वो होता है, नज़र होता है कि वो कैसे ये लोग हासिल कर रहे हैं। ये जो नौसरेबाज होते हैं, ये जो ठग होते हैं, ये जो फ्रॉडी होते हैं, ये जो वेबसाइट वाले नेटवर्कर होते हैं ना, इनका मेन मकसद ये होता है कि आप जो टैक्सी चला रहे हैं 10-5 लाख की या कितने की भी है, ये आपसे कैसे ले लें और आपको यानी बेरोजगार करके वो खुद अयाशी वाली ज़िंदगी गुजारा है। इनका मेन मकसद ये होता है कि आपके पास जो घर है ये आपसे बेचवा दे और वो पैसे ये लोग हड़प कर लें। इनको इन बातों से कोई फिक्र नहीं कि फिर आप रोड पर रहें या किराए पर रहें या आपको कोई जलील करे, इन चीज़ों से इनको कोई वो सरोकार नहीं होता, इनको अपनी अयाशी की पड़ी होती है। ये जालिम जो है, ये जाबिर जो है, ये खुदगरज मुफ्त परस्त जो है, इनका मेन मकसद ये होता है कि अगर आपने कोई प्लाट खरीद लिया है और आपके पास बनाने के पैसे नहीं है, तो ये लोग आपसे वो प्लाट बेचवा के वो पैसे हड़प करना चाहते हैं और आपको बोलते हैं कि आपने 2 साल से प्लाट खरीदा है, आपके पास बनाने के पैसे नहीं है, आप हमको ये प्लाट देंगे तो आपके पास करोड़ों रुपए आ जाएंगे और आप फिर इधर एक महल बना देंगे। प्लाट तो छोटी सी बात है, लेकिन फिर आप दोबारा जिंदगी में प्लाट बनाने के काबिल नहीं रहेंगे और बस आप हाथ मालते रह के रह जाएंगे। तो ये जालिम है, ये जाबिर है, ये खुद गरज है, ये मुफत गरज है, पता नहीं इनको क्या क्या नाम दिया जाए। तो मैंने आप लोगों को बताया कि इनको आप लोगों ने शादी ब्याह और ऐसी जो कुछ तफरी या कुछ इस तरह के वो होते हैं ना फंक्शन, उसमें आप लोगों ने इनको बेनकाब करने का है और हर एक को बताने का है कि वो देखो फ्राडिया, इसने सुन्नत रसूल भी रखी हुई है लेकिन ये नेटवर्किंग में लोगों को लूट रहा है, इनको बेघर कर रहा है, वो क्लीन शेव वाला देखो ये प्राइवेट स्कूल में मुलाजिम भी है या उनका अपना स्कूल है, या ये दाढ़ी वाला देखो इसने सुन्नत रसूल भी रखी हुई है, या वो पेंट शर्ट वाला देखो ये जो सूट बूट में फिर रहा है, ये सब चोर हैं, ये फ्राडिये हैं, ये डाकू हैं, ये नौसरेबाज हैं, ये लुटेरे हैं। तो इस तरह आप अगर इन लोगों को यानी बेनकाब करेंगे, लोगों को बताएंगे, उनके फोटो फेसबुक पे शेयर करेंगे कि इसने मेरा 20 हज़ार लूटा या मेरा 20 लाख लूटा, आपका जिसने जितना लूटा है उसका फोटो शेयर करें, उसके खिलाफ FIA जाए, उसके खिलाफ तुम ताने जाओ, जिधर भी मुमकिन हो आप उनके खिलाफ जाइए और आपको जो सैकड़ों कंपनियों में लूट चुके हैं लोगों को और आपको लूट चुका है कई वेबसाइट ने, तो इनको आप बेनकाब करें, इनके खिलाफ कंपेन चलाए और इनको लोगों के सामने लाए, तो इंशाल्लाह ये लूटमार रुक जाएगी, वरना इसका कोई और तरीका नहीं है। क्योंकि आपने सुना होगा कि वो लोग बता रहे हैं कि हम पहले इदारों को खरीद लेते हैं फिर लूटमार शुरू करते हैं।